औरैया जिले में समाज कल्याण विभाग का बड़ा घोटाला। औरैया जिले के समाज कल्याण विभाग से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में डाल दी है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। इस खुलासे को लेकर एक शिकायतकर्ता ने मुख्य विकास अधिकारी से लिखित शिकायत पत्र दिया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न की दी जाने वाली लाभार्थियों को राशि में विभाग में आए मद 3 करोड़ रुपयों में से 25 लाख रुपए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पटल सहायक ने अपने खाते और अपने रिश्तेदारों के खातों में डाल दिए हैं। औरैया जिले में समाज कल्याण विभाग में तमाम मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही विभाग के लापरवाह भ्रष्टाचार अधिकारियों पर नहीं की गई। कहीं विधवा पेंशन में एक लाभार्थी के खातों में 2 बार पेंशन दी जा रही है, तो कहीं जीवित वृद्ध महिला पुरुषों को मृत घोषित किया जा रहा है। लेकिन समाज कल्याण में अब ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अधिकारियों के होश उड़ गए। बीते 7 मई को शिकायतकर्ता शिवम नाम की युवक ने औरैया जिले के मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार को लिखित शिकायत पत्र दिया, जिसमें लिखा कि समाज कल्याण में 2 बड़े अधिकारियों के किए गए घोटाले का जिक्र किया, जिसमें लिखा कि समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न के लिए जो मद 3 करोड़ आया था, उसमें से विभाग के ही आकाश गौतम पटल सहायक व प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी आशुतोष सिंह ने मिलकर लाभार्थियों को दी जाने वाली 3 करोड़ रुपए की राशि में से 25 लाख रुपए आकाश गौतम ने अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में डाल दिए। इसको लेकर सही जांच हो और इन पर कार्यवाही की जाए। इस प्रार्थना पत्र के मिलने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और जांच शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक हुए इस घोटाले को लेकर कोई भी जांच पर सही जानकारी नहीं दी जा रही है। बिदुना के रहने वाले शिकायतकर्ता शिवम ने कहा है कि 2021-22 तक के सभी लाभार्थियों के खातों की 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच की जाए, जिससे कि विभाग में हुए घोटाले को लेकर इन दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही हो। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न की जो राशि दी जाती है वह सीधे लाभार्थियों के खातों में दी जाती है, लेकिन शिकायतकर्ता ने शिकायत की है 3 करोड़ की राशि में से 25 लाख तक घोटाला हुआ है। आपको बता दें इसकी जांच की जा रही है और ये शिकायत मंडला आयुक्त में भी की गई है, जिसकी जांच वहां के अधिकारी भी कर रहे हैं। कल्याण पर आरोप लगा है कि जो विभाग है जिसने 25 लाख रुपए जो हैं किसी गौतम जो है नाम के शख्स में दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, अब तक क्या कार्रवाई की है? ये अभी जो मेरे संज्ञान में आया है वो ये है कि जो लगभग 3 करोड़ की धनराशियाँ जो अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न प्रकरण में प्राप्त होती हैं, फिर खाते में सीधे डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाती हैं। अगर कोई खाता गलत हो गया होगा, गलत खाते में गई होगी, तो उसकी जांच दी गई है। और जहां तक मेरे संज्ञान में है कि इस प्रार्थना पत्र माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ भी किसी ने दिया था, तो उसमें एडी समाज कल्याण भी जाँच कर रहे हैं। तो जाँच प्रगतिशील है और शीघ्र हम अभी अधिकारी को निर्देशित करते हैं कि इसको विद इन वीक इसको पूरा करें।